स्वागत है हमारे शहर महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों मैं सागर, आज आपके सामने दिल्ली इंस्पेक्टर या दिल्ली पुलिस का जो आपका पोस्ट निकला है हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल का, जो पहला एग्जाम होगा सीबीटी 1 होगा, आपका रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा, उसमें जो सिलेबस है फ्रेंड्स वो मैं आज बताऊंगा। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया जिसमें आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस बताया है। एक और वीडियो है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी डील किया है, और सेकेंड स्टेज जो होता है पीईटी और पीएसटी जो होता है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट है, जिसमें आपको क्वेश्चंस पढ़ना है रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली टू हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, आपको इतिहास पढ़ना है, जैसे कि एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ज्यादा आपका आधुनिक इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करें कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना होगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना होगा, नदी जो भारत की प्रमुख नदियां जो है, भारत का जो भूगोल है उसे ज्यादा ध्यान से देखें, तो आपका नदियां आ सकता है, फिर आपका घासे आ सकते हैं। क्या भूगोल में आप और क्या पढ़िए, भूगोल में आप पढ़िए इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को बेसिकली पढ़िए, ज्यादा फोकस आप इंडियन ज्योग्राफी पे कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगला भी चलते हैं जिसमें इंडियन इकोनॉमी आता है। इंडियन इकोनॉमी को आपको पढ़ना है, जनरल पॉलिटी पढ़ना है, इसमें आर्टिकल्स को अनुच्छेद सबको ज्यादा ध्यान दीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च और करंट अफेयर्स को भी ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका सेकंड सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिसे नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन एंड ट्रिगोनोमेट्री, ये सब चैप्टर है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जिसे आपको कंप्लीट करना है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे मैक्सिमम चैप्टर आपका पढ़ा हुआ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले पे चलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो फ्रेंड्स मैंने वर्बल रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट बनाया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, महामाया सिलेक्शन के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और आप उसमें से वर्बल रीजनिंग को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग से आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से अगर बात करें फ्रेंड, तो स्पॉट द एरर से आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, साइनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसेज आएगा फ्रेंड्स, क्लॉज टेस्ट भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से भी क्वेश्चन आएगा, आपके एमएस एक्सेल से आएगा, एमएस वर्ड को आपको पढ़ना है, बेसिक्स पढ़िएगा, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW, वेब ब्राउजर। तो फ्रेंड्स ये था आपका सिलेबस जो कि मैंने आपको बताया, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस के एग्जाम होंगे आपके सीबीटी 1 के, जो कि 100 मार्क्स निर्धारित किया गया है जिसके लिए, और 90 मिनट दिया जाएगा। तो इस सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए तो आपका पक्का सीबीटी 1 का एग्जाम जो है निकल जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करेंगे, लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।